24 न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा जिले के त्योथर कस्बे में स्थित रायपुर सनौरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्राचार्य के द्वारा लापरवाही किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर विद्यालय के प्राचार्य ने बिल्डिंग को ढहाकर उससे निकलने वाले पत्थर और लकड़ी को बेच लिया, जिसके बाद आज ग्रामीणों ने मामले पर कार्रवाई को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सर्व शिक्षा और स्कूल चले अभियान के तहत विद्यालयों में व्यवस्था बनाए जाने के दावे और वादे किए जाते हैं, परंतु फिर भी इन व्यवस्थाओं पर कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा लगातार लापरवाहियां की जा रही हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को पढ़ने में बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रीवा के त्योथर कस्बे में स्थित रायपुर सनौरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां विद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रों के भविष्य को देखते हुए किसी भी प्रकार की व्यवस्था तो नहीं कराई गई, बल्कि विद्यालय की बिल्डिंग को ढहाकर उसमें भी कारोबार किया जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के समय देश भर के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया था, जो अब तक बंद ही पड़ी हैं, परंतु रीवा के रायपुर सनौरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इसी लॉकडाउन का फायदा उठाकर प्राचार्य ने लाखों रुपए की लकड़ी और पत्थर बेच दिए। बताया जा रहा है कि अपनी जेब भरने के लिए प्राचार्य ने विद्यालय की बिल्डिंग को धराशायी कर दिया और अब प्राचार्य के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है तथा कार्यवाही की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राचार्य के द्वारा लॉकडाउन का फायदा उठाकर बिल्डिंग को गिराने के बाद उससे निकलने वाले पत्थर और लकड़ी को बेच दिया है। पूरा मामला ऐसा है कि यहाँ के जब से जयकिरण उपाध्याय प्राचार्य हुए हैं, लगातार इस विद्यालय को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, और मैं एक दो बार उनसे फोन पर भी बात किया इस मुद्दे को जाना, तो उन्होंने कहा कि विद्यालय जर्जर थी, हमने ये लकड़ी और ये जो खपड़ा था इसको बेच करके हम यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण कराएंगे। हमको विश्वस्त सूत्रों से ये भी पता चला कि एक गेट का तीन तीन बार राशि निकाली जाती है, यहाँ निकाली गई है, और आज तक वो गेट कम्प्लीट नहीं है, और विद्यालय की जो बिल्डिंग थी वो जो आपके सामने भी है उसको गिरा करके उसके पत्थर और जो भी लकड़ी थी खपड़ा था उसको विक्रय करके के ग्रामीणों द्वारा मेरे भी द्वारा इसकी आवाज उठाई गई, कलेक्टर एसडीएम को दिया गया, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। जांच नहीं होती है तो हम यहां अनशन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और आत्मदाह करेंगे, इसकी जो है रक्षा करने के लिए ये कटिबद्ध है। किसी वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश नहीं था, स्वयं उन्होंने गिरवा दिया और उस समय एक भी आदमी नहीं आता था, वो पूरी यहाँ से लकड़ी ट्रैक्टर से ले गए। इसकी शिकायत हमने एसडीओ और कलेक्टर को मिलेंगे, लेकिन अभी तक कलेक्टर नहीं आए। एसडीएम साहब ने बीओ को जांच दी थी और बीओ ने एक महीने बाद जांच नहीं की, तो अगले दिन एक हफ्ते पहले एसडीओ साहब ने तहसीलदार को जांच दी। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।